हाँ जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 51, होप यू गोट द एक्सरसाइज 50th, है ना। उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। एक दो बच्चों ने मुझे अपनी प्रॉब्लम पर्सनली मेरे मैसेज पे लिख के भेज दी थी, सो उन्हें मैंने क्लियर कर दिया है। और आपको भी अगर कोई लगे, वैसे तो मैं काफ़ी हद तक क्लियर करने की कोशिश करती हूँ, बट स्टिल अगर कोई आपको बहुत ज़्यादा लगती है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। नाउ 51 एक्सरसाइज देखिए, यहाँ पे सबसे पहले बात है सजेशन। देखो सजेशन क्या होता है, जैसे मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि ऐसा करें, एक तो होता है ना किसी पे ऑर्डर मारना, एक हो गया सजेशन देनी कि ऐसा करें, है ना। अगर हम सजेशन की बात करें तो हम क्या यूज़ करते हैं, एक तो यूज़ होता है शैल वी, एक होता है लेट्स। जब शैल वी लगाएंगे ऑब्वियस है, शैल आगे आ गया, वर्ब आगे आ गई तो पीछे क्वेश्चन मार्क लगेगा, यू नो दिस थिंग। और लेट्स है इसके बाद क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा। ये दोनों ही सजेशंस के लिए यूज़ होती हैं, ठीक है। ऑक्सफोर्ड ग्रामर जरूर खोल लो, उसके बिना आपको कुछ क्लियर नहीं होगा। शैल वी गो फॉर अ वॉक, क्या वॉक के लिए चलें, इसका ये नहीं है कि चलो वॉक के लिए चलें, यू आर नॉट सेइंग लाइक दिस। आप किसी से सजेशन, आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं एक तरह की, आपका मन है वॉक पे जाने का, आप साथ वाले की भी सजेशन मांग रहे हैं। शैल वी गो फॉर अ वॉक, पीछे क्वेश्चन मार्क आ गया ना। और यहाँ आप यूज़ कर सकते हैं लेट्स प्ले सम म्यूज़िक, लेट्स गो फॉर वॉक, चलो वॉक पे चलें। ये दोनों ही सजेशन के लिए है, बस लेट्स के साथ बनाएंगे तो पीछे फुल स्टॉप आएगा बिकॉज वर्ब नहीं आ गए। शैल के साथ बनाओगे तो शैल क्योंकि वर्ब है तो आपका ये क्वेश्चन मार्क सेंटेंस बन जाता है। जो कुड वर्ड है, कुड देखो हमने कहाँ कहाँ पढ़ा, कैन और कुड पीछे पढ़ा था कि कुड जब आप बहुत पोलाइटली बात करते हैं तो यूज़ करते हैं, तो कुड आप सजेशन के लिए भी यूज़ करते हैं। लाइक वी कुड वॉच दिस कॉमेडी ऑन टीवी टुनाइट, अगर जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं कि आज शाम को, मतलब अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है तो हम ये वाली जो कॉमेडी है रात को देख सकते हैं, तो कुड पास्ट में नहीं आएगा, प्रेजेंट में चलेगा और ये सजेशन के लिए यूज़ हुआ है। गॉट इट? कुड, शैल वी, लेट्स, तीन वर्ड्स हो गए। आगे देखिए बहुत सारे वर्ड्स हैं। वाई डोंट, वाई डोंट, वाई डोंट यू स्टैंड अप, तुम खड़े क्यों नहीं हो जाते। वाई डोंट यू गो देयर, तुम वहाँ क्यों नहीं जाते, इसका मतलब भी क्या आप उसे बंदे को सजेशन दे रहे हो। वाई डोंट वी हैव अ लुक अराउंड द मार्केट, हम मार्केट क्यों नहीं जाते, क्यों ना हम मार्केट चलें, है ना, सजेशन ही हो गई ना। वाई डोंट वी हैव अ लुक अराउंड द मार्केट, हम मार्केट घूम के क्यों नहीं आते। और शैल वर्ड है, शुड वर्ड है, कैन वर्ड है, ये तीनों वर्ड्स भी सजेशन के लिए यूज़ होते हैं, देख लीजिए कैसे। वेयर शैल वी गो फॉर अवर होलीडेज, कहाँ हमें जाना चाहिए। वेयर शुड कैन वी, वेयर शुड वी गो फॉर आर होलीडेज, या फिर वेयर कैन वी गो फॉर आर होलीडेज, हम कहाँ जा सकते हैं। व्हाट कैन आई गेट क्लियर फॉर बर्थडे, मैं क्लियर के लिए बर्थडे पे के लिए क्या लेके आ सकता हूँ। सो देखिए सजेशन के लिए कितने सारे वर्ड हो गए, शैल वी आ गया होगा समझ, पीछे क्वेश्चन मार्क लगेगा, लेट्स के साथ बन गया, फिर कुड के साथ बन गया, वाई डोंट के साथ बन गया, है ना, देन शैल शुड कैन, इन तीनों के साथ बन गया। सो ये आपका सजेशन का कंप्लीट हो गया, 51 एक्सरसाइज का ए पार्ट। कम टू द नेक्स्ट पार्ट, इट्स बी ऑफर करने के लिए, किसी को आप कोई ऑफर दे रहे हो, ऑफर कोई मदद कर रहे हो या कुछ और कर रहे हो ना, लिफ्ट ऑफर कर रहे हो किसी को, कोई खाने की चीज़ ऑफर कर रहे हो, तो कैसे यूज़ करोगे। वहाँ पे विल और कैन यूज़ होता है। लाइक आई विल कैरी योर बैग, है ना, आप किसी को मदद ऑफर कर रहे हो कि ये बैग मैं तुम्हारे लिए उठा देता हूँ, हो सकता है बंदे के हाथों में और बहुत कुछ है तो आप कह रहे हैं आई विल कैरी योर बैग, मैं आपका बैग उठा के ले आऊँगा, उसे आप मदद ऑफर कर रहे हो। या फिर वी कैन गिव यू लिफ्ट, हम तुम्हें लिफ्ट दे सकते हैं, है ना, इसका मतलब भी कि ये क्या है कि बंदा कोई पैदल आ रहा है एंड यू आर ऑन योर व्हीकल, तो आप, हम किसी से भी पूछ ही लेते हैं कि हम तुम्हें लिफ्ट दे देते हैं। क्वेश्चन फॉर्म में भी ऑफर यूज़ हो जाता है, कैसे, शैल वी पे मनी नाउ, क्या हम पैसे अभी पे कर दें, है ना, ये भी आप क्या है ऑफ़र कर रहे हो ना, जैसे कोई चीज़ के लिए पैसे आपको बाद में पे करने होते हैं लेकिन आप उसे ऑफ़र कर रहे हैं कि हो सकता है बंदे को अभी ज़रूरत है, तो आप कह सकते हैं शैल वी पे मनी नाउ, कि अभी पैसे पे कर दें। कैन आई गेट अ टैक्सी फॉर यू, क्या तुम्हारे लिए मैं टैक्सी मंगवा दूँ, है ना, देखो आ रही है ना सेंस, ऑफ़र की आ रही है। कैन आई गेट अ टैक्सी फॉर यू, अब हर बंदा टैक्सी खुद ही लेता है ना, लेकिन अब हम कहते हैं हमारा कोई फ्रेंड होता है या क्लोज रिलेटिव होता है कि मैं टैक्सी मंगवा दूँ, हेल्प हो जाएगी तुम्हें नहीं पता चलेगा तो। और फूड या ड्रिंक ऑफर करने के लिए हम क्या लगाते हैं, वुड लाइक, ओके, वुड लाइक, वुड यू लाइक वन ऑफ दीज चॉकलेट्स प्लीज़, क्या तुम इनमें से कोई चॉकलेट खाना पसंद करोगे।
या फिर विल भी लग जाता है, वॉन्ट भी लग जाता है. विल यू हैव या फिर वॉन्ट यू हैव. विल यू हैव अ बिस्किट, क्या आप बिस्किट लोगे. वॉन्ट यू हैव समथिंग टू ड्रिंक, आपने कुछ वॉन्ट यू हैव समथिंग टू ड्रिंक, आप कुछ पीने के लिए क्यों नहीं ले रहे, है ना. वॉन्ट यू हैव समथिंग टू ड्रिंक, आप कुछ पीने के लिए क्यों नहीं ले रहे, इसका मतलब यही है ना कि लो कुछ पीने के लिए. तो ये सारे ऑफर के लिए यूज़ होते हैं. लेकिन मैंने आपको पहले बोला था कि एक इम्पेरेटिव लैंग्वेज होती है, एक इनफॉर्मल लैंग्वेज होती है, वो जो ज़्यादातर हम अपने फ्रेंड के साथ यूज़ करते हैं, जहाँ पे हम फॉर्मेलिटीज़ नहीं करते. लाइक हम अपने फ्रेंड को कह सकते हैं हैव अ बिस्किट, हैव अ सीट, बिस्किट लो, सीट लो. वहाँ पे हम कुछ वुड यू लाइक, विल, वॉन्ट, ये सारे फॉर्मल हैं, है ना. वुड यू लाइक वन ऑफ दीज चॉकलेट्स प्लीज़, क्या तुम इनमें से कोई चॉकलेट लेना पसंद करोगे. इसका क्या मतलब है, आप किसी को कुछ एटिकेट से, कुछ बड़ी रिस्पेक्ट से बात कर रहे हो, कुछ मैनर से बात कर रहे हो, कुछ फॉर्मेलिटी से बात कर रहे हो. लेकिन वही अगर अपना कोई फ्रेंड है, पर्सनली बात करें, तो हम सीधा कहते हैं हैव अ चॉकलेट, चॉकलेट लो, है ना. लास्ट पार्ट देखो, सी इन्विटेशन का बन गया. उसमें क्या है, उसमें क्या है, इन्विटेशन में भी वुड यू लाइक टू के साथ हम बनाते हैं वुड यू लाइक. वुड यू लाइक टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. वुड यू लाइक टू ज्वाइन अस, क्या आप हमें ज्वाइन करना पसंद करेंगे. विल के साथ भी बन जाता है, विल यू ज्वाइन अस, क्या हमें ज्वाइन करोगे. वॉन्ट यू ज्वाइन अस, हमें ज्वाइन क्यों नहीं करते, है ना, ऐसा क्यों नहीं करते कि तुम हमें ज्वाइन कर लो. तो ये सारे इन्विटेशन के लिए हैं, वुड यू लाइक टू, विल यू ज्वाइन अस, वॉन्ट यू ज्वाइन अस. और इनफॉर्मल इम्पेरेटिव लैंग्वेज में अगर हम इनवाइट करेंगे किसी को, तो कैसे कहेंगे, कम एंड हैव कॉफ़ी विद अस, आओ और हमारे साथ कॉफ़ी पियो. हेयर यू आर नॉट यूजिंग एनी फॉर्मैलिटी वर्ड्स रिलेटेड टू फॉर्मैलिटी, जैसे वुड यू लाइक था, विल यू था, वॉन्ट यू था. और दूसरा क्या आ गया सेंटेंस, जैसे प्लीज सिट डाउन, बैठ जाओ. यहाँ पे आप किसी की सजेशन नहीं मांग रहे, आप सीधा अपना ऑर्डर डाल रहे हो, और वो आपका जो फ्रेंड्स होते हैं, फ्रेंडली लैंग्वेज में आप यूज़ करते हैं, ठीक है, जहाँ पे आप फॉर्मेलिटी नहीं करते. सो समरी में फिर से आपको बता देती हूँ, सजेशन थी जिसमें हम, हमारा कुछ मन है करने के लिए और हम दूसरे को कहते हैं कि ऐसा करें, सजेशन कहते हैं ना, सजेशन. अगर आप, हम इस कॉलेज को सुधारना चाहते हैं, अगर आपकी कोई सजेशन हो तो बताओ, है ना, वो हो गई सजेशन. ऑफ़र, अगर हम किसी को ड्रिंक ऑफ़र करते हैं, फूड ऑफ़र करते हैं, हेल्प ऑफ़र कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या क्या लगेगा. देन लास्ट था किसी को आप इनवाइट कर रहे हो किसी चीज़ के लिए. आप बैठे हो और आपका कोई फ्रेंड आ गया है ना, तो और सबके सामने आपको फॉर्मेलिटी में ही बात करनी पड़ेगी ना, तो आप उसे यही बोलो कि वुड यू लाइक टू ज्वाइन अस, हमें ज्वाइन करना पसंद करोगे, है ना. वहाँ पे थोड़ा हमें होता है कि सबके बीच में पब्लिक लेवल पे हमें अपने खुद के पेरेंट्स से भी बहुत, वैसे तो हम पेरेंट्स से प्यार से ही बात करते हैं, इज्जत से ही बात करते हैं, लेकिन थोड़ी सी फॉर्मेलिटी आ जाती है जो कि हम घर पे नहीं करते. सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप आप एक्सरसाइज जो भी मैं आपको समझा रही हूँ उसके साथ जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं प्रैक्टिस के लिए, प्लीज़ कीप प्रैक्टिसिंग दैम, उनको प्रैक्टिस करते रहो, ओनली देन यू विल अंडरस्टैंड द सेंटेंसेस. देखो आपकी फर्स्ट ईयर की ग्रामर काफ़ी आसान थी, सेकेंड ईयर की लिटिल बिट इट्स डिफ़िकल्ट. सो प्लीज़ प्रैक्टिस इज़ मस्ट. थैंक यू.